तो गाइस आज के स्टूडियो के अंदर हम बात करने वाले कल होने वाले स्मैकडाउन के बारे में। तो गाइस कल हमको स्मैकडाउन देखने को मिलेगी। सबसे पहले चीज़ देखने को मिलेगी साशा बैंक्स की एंट्री। गाइस हेल इन अ सेल में साशा बैंक्स न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बनी। अब वो आकर एक प्रोमो काटे उसके अंदर बेली उनको इंटरप्ट कर सकते हैं या फिर नए चैलेंजर का खुलासा हो सकता है। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज का एक क्वालिफाइंग मैच। केविन ओवन का एक मैच देखने को मिलेगा एक किस्सा। और इस मैच के अंदर केविन ओवन जीत सकते हैं। उसके बाद हमें ये थिंग देखने को मिलेगी कि सैमी ज़ेन के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट कौन रहने वाला है। नेक्स्ट कोई रह नहीं सकता मेरे ख्याल से। वो यहाँ पर बॉबी लैशली के ऊपर एक प्रोमो काट सकते हैं और हर्ट बिजनेस और बॉबी लैशली की मजाक उड़ा सकते हैं। उसके बाद हमें ये थिंग देखने को मिलेगी कि लार्स ओलिवर वर्सेस कोई एक जॉबर या फिर कोई एक रेसलर का बीच मैच देखने को मिल सकता है। और ये हो गया क्वालिफायर मैच। इस मैच के अंदर लार्स ओलिवर जीत कर क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद सेथ रॉलिंस का भी एक मैच देखने को मिल सकता है क्वालिफाइंग मैच। इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस जीत जाए आसानी से और स्मैकडाउन की टीम को लीड कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद हमें मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस का जे उसु के और जिमी उसु के कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं। तो गाइस इसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसु जो है वो रोमन रेंस के साथ जुट जाए। हमें ये थिंग देखने को मिल सकती है कि शुरुआत में रोमन रेंस आए और वो कहे कि मैंने तुम्हें को हरा दिया, अब तुम मेरे सर्वेंट बनने वाले हो। जे उस और जिमी उसु पहले तो थोड़े इनकार कर देंगे, फिर उसके बाद रोमन रेंस के साथ जुड़ जाएंगे और स्मैकडाउन का हो जाएगा अंत। तो गाइस जीती पूरी स्मैकडाउन की प्रेडिक्शन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।